गुड मॉर्निंग बच्चों। दो मिनट रुक जाते हैं, अभी और बच्चों को आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो बच्चों रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी इसलिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। ओसिलेशन के तीन टाइप होते हैं, फ्री ओसिलेशन, डैम्ड ओसिलेशन और फोर्स्ड ओसिलेशन। फ्री ओसिलेशन क्या होता है, जब बाहर से कोई भी रेसिस्टिव फोर्स न लगे, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, केवल रीस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट हो। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग के वजह से केवल फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है, तो ऐसे ओसिलेशन को फ्री ओसिलेशन बोलते हैं ना। कोई भी रेसिस्टिव फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन हो गया, एयर रेसिस्टेंस हो गया, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं होगा, कोई भी अलग से एक्सटर्नल एजेंट आकर के फोर्स नहीं स्टार्ट लगा रहा होगा। अबे वो तो था ही भाई, प्रथम वो तो था ही, मैंने बीच में बंद किया था ना, वेट कर रहा था बच्चों के आने का, इसलिए रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे केवल रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। अरे पांडा बहुत सारे लोग हैं जिनका नेट चला जाता है, उस दिन रिकॉर्डिंग देखते हैं, तू भी देखेगा जिस दिन नेट जाएगा। ओनली रीस्टोरिंग फोर्स विल बी प्रेजेंट, बेइज्जती अलग कर देता है पांडा यार तू। ओनली रीस्टोरिंग फोर्स विल बी प्रेजेंट, टोटल एनर्जी हमेशा यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगी। ऐसे बोलेगा कोई नहीं देखता, तो यार बेइज्जती हो रही है ना यार, ये तो पांडा यार समझता नहीं है बात को। टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा ना। टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। अगर आप बोल रहे हो कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। फिर ये पांडा ने क्या बोला यार, मुझे समझ नहीं आया। अगर यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे ना, तो अगर एम्पलीट्यूड कुछ मान लो ए है, तो दोनों साइड में पार्टिकल ओसिलेट करते हुए कहाँ तक जाएगा, ए तक ना। अब वो डिपेंडिंग की साइन इनिशियल फेज कितना है, उस हिसाब से साइन थीटा का ग्राफ बना दोगे ना। अच्छा अच्छा ओके ओके समझ गया पांडा क्या बोल रहा है। चलने दो भाई नेट, चलने दो सब लोग, पांडा का कोई रोको नहीं। ना अगर इनिशियल फेज जीरो है, तो आप ऐसे कुछ ऑसिलेशन का ग्राफ बना दोगे ना, दोनों साइड में वो ए तक जा रहा होगा। ये ग्राफ सबको क्लियर है, एक्स वर्सेस टी का ना। जैसे अब भावेश फालतू की बातें ही करा लो ना, अगर वो इधर प्लस ए तक आ रहा है, फिर दूसरे साइड में माइनस ए तक जा रहा है, इसी चीज को ग्राफ में दिखाया गया है। अब देखो ये फ्री ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। फ्री ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, मतलब अभी तक पीछे जो भी आपने फ्रीक्वेंसी देखी थी वो सब क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना। अभी तक हमने फ्री ऑसिलेशन ही पढ़ा है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
ना फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, वन अपॉन टी करोगे तो उससे हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी, या फिर ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ होता है तो वहां से भी आप निकाल सकते हो एफ इक्वल टू ओमेगा बाय टू पाई, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्प्रिंग मास सिस्टम में रूट के बाय एम। ये क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नोट करो यहां तक, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं डैम्ड ऑसिलेशन। सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं फ्री ऑसिलेशन के बाद डैम्ड ऑसिलेशन। तो देखो डैम्ड ऑसिलेशन क्या होगा, तो वो डैम्ड ऑसिलेशन क्या होगा, जैसे आपने कोई सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराया। अब डेली लाइफ में तो क्या होता है, एक बार आप ऑसिलेट करा दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ये अब ऑसिलेट ही करता रहेगा। फ्री ऑसिलेशन में तो वो एक बार करा दिया तो हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन डेली लाइफ में क्या है, आप कराओगे तो थोड़ी देर बाद एम्पलीट्यूड कम होते होते लास्ट में रुक जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस होता है ना, एयर रेसिस्टेंस की वजह से उसकी एनर्जी लगातार लॉस होती जाती है और लास्ट में जाकर रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो ऑसिलेट कर रहा होगा तो एक रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा वहां पे और कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, एक रेसिस्टिव फोर्स। तेजस यहाँ एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्टिव फोर्स बोलेंगे ना, है वो एक्सटर्नल फोर्स ही, उसको हम रेसिस्टिव फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे रेसिस्टिव फोर्स कुछ लग रहा होगा। अब वो रेसिस्टिव फोर्स हमेशा कैसे लगता है, अगर मान लो ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो फोर्स जो होगा रेसिस्टिव वाला वो अपोजिट में लग रहा होगा। अब ये देखो रेसिस्टिव में जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस ऑफ v के पावर n। जैसे ये सिंपल पेंडुलम के केस में एयर का रेसिस्टेंस लगा रहा है प्रथम, जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में एयर रेसिस्टेंस, ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकता है ना वहां पर। तो अब देखो ये रेसिस्टिव फोर्स जो होता है वो बी के अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर ना, बी के अपोजिट है, और पावर उसका कुछ भी हो सकता है। तो हम देखो हर एक केस नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग सिंपल केस पढ़ेंगे जब स्लोली मूव कर रहा होता है पेंडुलम तो वहां जो पावर होता है वो एन वन आता है। केवल एक ही केस पढ़ रहे हैं ना हम, केवल ये केस ही पढ़ने जा रहे हैं ना। ये सब देखो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब केवल जेई मेन में है ना, एडवांस में नहीं है ना, एडवांस का ये सब पार्ट नहीं है। हाई स्प्रिंग मास सिस्टम में फ्रिक्शन हो सकता है वहां पर, बट वो फ्रिक्शन चेंज होना चाहिए वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, तो ही हम लोग उसको पढ़ेंगे ना। तो रेसिस्टिव फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है और अपोजिट टू वेलोसिटी डायरेक्शन है तो वहां पर डैम्ड ऑसिलेशन वाला केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे देंगे, एडवांस का हो गया ना, फ्री ऑसिलेशन ही था एडवांस, ऐसा होता है पांडा। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ बी दे देंगे और B को हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट।
अब पांडा दोनों एग्जाम ने अपना अलग अलग सिलेबस थोड़ा किया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब देखो ये जो डैम्पिंग कॉन्स्ट ये फोर्स है, यहाँ पे अगर मैं नेट फोर्स लिखूं पार्टिकल जब ऑसिलेट कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या क्या होगा यार। एक्चुअली ये सब टॉपिक थोड़े से बोरिंग है और इनके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लगता है, जो अपने मैथ में रहता नहीं है वो सब कैलकुलेशन, इसलिए नहीं रखा गया है मैथ में। जैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए इसको रखेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाना पड़ेगा, फिर मैथ का सिलेबस बढ़ाना पड़ेगा। बट मेन वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, मैथ में पढ़े हो या ना पढ़ो, एडवांस में ये फिजिक्स में पूछ लेंगे उसको। तो यहाँ पर एडवांस में थोड़ा लॉजिकल चीजें चलती हैं, मतलब अगर कहीं पढ़ाया है तभी पूछेंगे, मेन में लॉजिक नहीं चलता ना, कुछ भी पूछ देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक तो जब ये अपनी मीन पोजीशन से एक्स जाएगा तो एक तो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, एक तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, और साथ में यहाँ पर अगर डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट है ना, ये फोर्स को आप रेसिस्टिव फोर्स या फिर डैम्पिंग फोर्स बोलते हो। तो यहाँ पे अब आप क्या बोलोगे, एक और फोर्स प्रेजेंट है तो वो भी लिख लोगे ना। अब नेट फोर्स आपका केवल माइनस के एक्स नहीं होगा, माइनस के एक्स और माइनस बी भी दो फोर्स लग रहे होंगे। फिर आपको पता है कि आप एफ को क्या लिखते हो, एम इंटू ए लिखते हो, और ए को आप लिख सकते हो ए, एम को दूसरे साइड अगर हम ले जाएं तो ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स बी बाई एम इंटू बी। फिर ए को हम लोग लिख देंगे डी टू एक्स बाई डी टी टू, ए को लिखते हैं ना एक्स को दो बार डिफ्रेंशिएट करके, वी को लिख देंगे डी एक्स बाई डी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है अमन कि यहाँ एक रेसिस्टिव फोर्स आएगा, तो आप जब ओपन करके लिखोगे तो ये बन जाएगा, आप तुरंत लिख सकते हो। हाँ भावेश, रिकॉर्डिंग एकदम अच्छे से कर रहे हैं। नहीं यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि kx के अलावा एक b इंटू वी भी अपोजिट में फोर्स लग रहा होगा, तो f की वैल्यू लिख दो x के टर्म में, v की वैल्यू लिख दो, बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, उसके नेट को तो कोई ने नजर मारा भी नहीं था, नजर तो सब तेरे नेट पे ही था। अब देखो यहां पर इस सेकेंड, इसको देखो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये सेकेंड ऑर्डर है। आप अभी डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ में पढ़ोगे तब आपको समझेगा। आपको देखो मैथ में सिखाया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर हमें सॉल्विंग नहीं सीखनी है ना, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट इसका रिजल्ट देख लेंगे क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो देखो इसको जब सॉल्व करूंगा तो इसका कुछ रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और यहाँ ओमेगा के सबस्क्रिप्ट में d लिखा है, ओमेगा के सबस्क्रिप्ट में d लिखा है, d मतलब वहां पे वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ओमेगा डी यहां पर क्या है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी हाँ, मैंने थोड़ा सा वो खुशी के मोबाइल पे देखा था, वो वही पढ़ रही थी ग्रेविटी में। तो 1 घंटा तक तो तुम लोग यही प्रैंक ही कर रहे थे यार, सर तो परेशान हो गए होंगे। लेकिन ये सब इसने, अरे ये क्या नाम है, इसने गड़बड़ किया था लास्ट टाइम। ये जो प्रणव नवंदार का नाम रख करके और वो कैमरा खोल के बैठा हुआ था, उसके वजह से सर ने पकड़ लिया। रजत ने नहीं यार, रजत ने नहीं, ये नाम नहीं याद आ रहा मुझे अभी, रजत नहीं था, श्रवण नवंदार का नाम रखा था और कैमरा खोल के बैठा था वो। हाँ, और उसी टाइम पे पुराने बच्चों के मैसेज भी आ गया, तो सर को पूरा ही विश्वास हो गया था। बच्चे भी उस दिन आए थे मिलने के लिए, तो सर को पूरा ही विश्वास हो गया। फिर हाँ आए थे भाई, आए थे उस दिन, बच्चों का भी मैसेज भी आ गया था, तो सर को लगा कि यार सही है ये सब। यहाँ पे देखो, और ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आता ना, डैम्प ऑसिलेशन में आपको पता है ना, एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाता है। हाँ पता चला मुझे कि वीडियो लगा दिया तुम लोगों ने। सही है। नहीं, बात है, मेरी क्लास में डिस्टर्ब कर, मेरे को पढ़ाने दे, मैं देख लूंगा वो वीडियो, देख लूंगा ना लास्ट वाले क्लास की रिकॉर्डिंग। नहीं प्रयास, जाने तो मैं देख लूंगा ना भाई, रिकॉर्ड हुआ होगा। तुझे परमिशन मिली कैसे थी? लेकिन तेरे को तो परमिशन नहीं होगी ना वीडियो ऑन करने की। अच्छा, बैकग्राउंड में। अच्छा क्या बात है। हाँ सही है, हाँ दिख रहा है। यार वो एक ही जगह दिख रहा है बस। यार टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, पढ़ाई देता हूँ, कहाँ आ रहा है कोई, आ ही रहा है।
ये तो थोड़ी सच्चाई है ही है यार, सर जिम जा रहे हैं लेकिन मोटापे में कोई कमी नहीं आ रही है। चलो अब बच्चों आप पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं नहीं बच्चों ऐसा नहीं करते हैं, एक बार प्रैंक कर लिया बस ठीक है, बार बार नहीं करते बच्चों। चलो बच्चों अब देखो पढ़ाई करेंगे हम लोग तो। देखो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा ये ए नॉट, यहाँ पर इनिशियल एम्पलीट्यूड होगा और वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम हो रहा होगा ना। हाँ वेरी गुड आकाश, ऐसे ही मेरे साथ नहीं करना है, कभी कभी बीजीएम सर के साथ कर लेना, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो वो सलाह मैंने एकदम सही दी थी ना, नाम क्या रखो, सर कंफ्यूज हुए, तो अगर मेरे साथ करोगे तो फिर सलाह कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड जो होगा वो टाइम के साथ कम होता जा रहा है ना, इनिशियल एम्पलीट्यूड कुछ ए नॉट होगा वो टाइम के साथ कम होता जा रहा है। नहीं पर ना अमन इतना दिल पे नहीं लेते भाई, और एम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, पार्टिकल का मास ना, जो ऑसिलेट कर रहा है उस पार्टिकल का मास। ये बात समझ आ रही है, डैम्ड ऑसिलेशन में जो एक्स आएगा वो जैसे एसएचएम की इक्वेशन आती थी वैसे ही आ जाएगा। टी टाइम है, टी कोई टाइम है ना, टाइम पीरियड कैपिटल टी से दिखाते हैं ना। आयुष जब भी टाइम पीरियड लिखूंगा तो कैपिटल टी होगा ना, स्मॉल टी कोई टाइम टी होगा। तो जैसे देखो पुराने टाइम में क्या इक्वेशन आती थी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वैसे ही आया है, बस इसमें ओमेगा थोड़ा चेंज हुआ है और ए चेंज हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ अभी खाल करना, अभी बता रहा हूँ। ए की वैल्यू एक्सपोनेंशियली कम होती जाएगी ना, ए नॉट इनिशियल एम्पलीट्यूड है, ई के पावर -BT/2m ना, ये लगातार कम होता जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू कुछ आ रही होगी, डैम्ड ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी कुछ आती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो रहती थी वो -B/2m का होल स्क्वायर है, ये हमारी डैम्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आती है। कर्सर नहीं दिख रहा है, अब तू अप्रैल फूल मनाने लग गया रजत, ये नहीं चलेगा यार, अप्रैल फूल मेरे साथ मत मनाओ, क्योंकि तो मैं सामने ही अपना स्क्रीन खोल के देख लेता हूँ कर्सर दिख रहा है कि नहीं। ये चल नहीं पाया, ये चल नहीं पाया यार, मैंने लॉगिन कर रखी है ना अलग से भी मोबाइल से, उस पे देख लिया मैंने, एकदम अच्छा दिख रहा है कर्सर, तुम लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देख नहीं रहे हो। लो कर्सर को देखो घुमा दिया, कोई लैग वैग नहीं आ रहा, तुम लोग ये फालतूगिरी शुरू कर देते हो, जब कुछ नहीं समझ आता तो लैग, कर्सर नहीं दिख रहा है, अब कुछ नहीं दिख रहा है देख लो। ये दोनों नोट कर लो, डैम्ड ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये दोनों चीजों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दोनों के फॉर्मूले नोट कर लो। कर्सर के अलावा देखो इसमें एक चीज और अच्छा है, ऐसे भी अगर कोई थिक वाला मार्कर चूज कर रहा हूं तो स्पॉटलाइट का काम कर रहा है एकदम अच्छे से। ना देखो स्पॉटलाइट की भी जरूरत नहीं है इसमें अभी। अरे ये केवल
स्पॉटलाइट की तरह काम करेगा, लिखने के लिए फिर से पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो डैम्ड ऑसिलेशन में ए जो होगा ऐसे एक्सपोनेंशियली कम हो रहा होता है, और डैम्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उससे थोड़ी कम होती है ना। हाँ भावेश यार, रिसर्च तो करना ही पड़ेगा यार, तभी तो टेंशन फ्री होके पढ़ा पाऊंगा। ये पुराने बच्चे का नाम रख के कोई आया है, मेरा आइडिया मेरे पे ही लगा रहा है यार, ये सब नहीं चलेगा भाई। आदित्य गीते श्रवण वाले बैच में ही था एक बच्चा, ये सब मेरे आइडिया मेरे पे ही लगा रहे हैं यार, ये सब नहीं हो पाएगा। तो वीडियो ऑन कर आदित्य, देखूं तू ही है या नहीं। अपना स्मार्ट फेस दिखा एक बार सबको। गीते काफी स्मार्ट हुआ करता था, मतलब है भी, अब तेरा देखना पड़ेगा कैसा है। कैमरा ऑन कर एक बार। ये नोट हो गया यहां तक, अबे गीते दो दिन पहले तो मिलके गया था यार, वो तो यही था अभी, अब तू बोल रहा है कॉलेज पहुंच गया, सब गलत बातें कर रहा है, तुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। यार गीते को सब लोग इग्नोर करो, गीते पकड़ा गया है फिर भी बातें बनाने में लगा हुआ है, हम लोग पढ़ाई करते हैं। ये मैं अब आगे चल रहा हूं ना, तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। डैम्ड ऑसिलेशन में देखो आपको पता है, डैम्ड ऑसिलेशन में एक बार अगर ऑसिलेशन कराया आपने, तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, लगातार टाइम के साथ कम होता जाएगा और लास्ट में रुक जाएगा ना। बी कांस्टेंट है ना, वो दी जाएगी क्वेश्चन में। नहीं, यहां पे क्या हो रहा होगा, ये लगातार कम होता जाएगा और लास्ट में रुक जाएगा ना। तो इसका अगर मैं एक्स और टी का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को देखो, पहले आप एम्पलीट्यूड दिखा लो ना, एम्पलीट्यूड ऐसे एक्सपोनेंशियली कम होता जा रहा है ना, तो इसके बीच में ही वो लगातार ऑसिलेट करेगा ना, जहां तक एम्पलीट्यूड जाएगा वहां तक ही वो ऑसिलेट कर रहा हो। अब यार मेरे को निकालना पड़ेगा, अब तू सुन नहीं रहा है, एक ही बार 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 कर रहा है, तो आदित्य गीते को अब हटाना ही पड़ेगा। खुद ही चला गया गीते। अच्छा तुम लोग उधर टाइम मत वेस्ट करो, मेरे को पढ़ाना है, और अभी एक घंटा होने को आ रहा है और तभी तक मैं कुछ पढ़ा नहीं पाया हूँ, जल्दी जल्दी नोट करो। डैम्ड ऑसिलेशन में देख लो एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड अगर कम होगा
तो जो एम्पलीट्यूड होगा उसी के बीच में ही पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ना, तो वही दिखाया गया है। फिर इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये दोनों पढ़ा के फिर मैं इस पे प्रॉब्लम कराता हूँ ना एक दो। नेक्स्ट हेडिंग डालो फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन मतलब जैसे आप कोई कोई पेंडुलम ऑसिलेट करा रहे हो और साथ में आप फोर्स भी लगाते जा रहे हो साथ ना, अगर वहां पे डैम्पिंग फोर्स एयर रेसिस्टेंस के साथ साथ मान लो एक्सटर्नल एजेंट का भी फोर्स आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रहा होगा ना। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के टाइम पर जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा तो एक तो उस पे रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एक डैम्पिंग फोर्स लगेगा रेसिस्टिव फोर्स, और एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स ना। तो यहाँ पे आप टोटल फोर्स जब लिखोगे तो ऐसे तीन फोर्सेस लिखोगे, एक तो रीस्टोरिंग फोर्स, एक डैम्पिंग फोर्स और एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। अब वो हमने कुछ मान लिया कुछ ऐसे है एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स ना, जहां ओमेगा ये जो है एक्सटर्नल एजेंट की फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, इस ओमेगा को हम बोलेंगे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। और यहां पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती थी फ्री ऑसिलेशन, उसको हम लोग कुछ ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। तो ये जो इक्वेशन होगी ये फोर्स्ड ऑसिलेशन के टाइम पे हो रहा होगा ना। यहाँ पे फोर्स जो है वो भी कुछ फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है। फोर्स्ड ऑसिलेशन जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है और वो स्विंग पे बैठा हुआ है, वो स्विंग करा रहा है और आप हर बार मान लो एक बार आया आपने फिर धक्का दिया, फिर आया फिर धक्का दिया, लगातार आप ऑसिलेशन के साथ साथ फोर्स लगाते जा रहे हो ना। और फ्री ऑसिलेशन मतलब एक बार आपने चला के छोड़ दिया ना, फ्री ऑसिलेशन मतलब एयर रेसिस्टेंस नहीं है और एक बार आपने एम्पलीट्यूड पे ले गया छोड़ दिया तो खुद ही ऑसिलेट होता रह रहा है, वो फ्री है। एयर रेसिस्टेंस आ गया तो डैम, अब अगर साथ में आप हर बार फोर्स भी लगा रहे हो तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है। समझ आ पा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस भी लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा है और कोई एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट का। हाँ, वही स्विंग का एग्जांपल लेके किया, स्विंग जैसा ही। हाँ, जो आप कोई भी स्विंग पे स्विंग हो रहा है तो आप पीछे खड़े होकर बार बार फोर्स लगाते हो ना, तो वो कैसा ऑसिलेशन है? फोर्स्ड ऑसिलेशन। हाँ, वो फ्रिक्शन वगैरह जो प्रेजेंट है वो डैम्पिंग का काम कर रहे हैं। सही है पॉइंट। तो अब देखो ये वाले में फोर्स्ड ऑसिलेशन में हमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है ना, इसको सॉल्व वगैरह नहीं करना है, बस आपको एक दो पॉइंट है वो ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी फोर्स्ड ऑसिलेशन आ जाता है एक्सटर्नल एजेंट का भी फ्रिक्वेंसी आ जाता है, एक्सटर्नल एजेंट का भी फोर्स आ जाएगा, तो वहां पर जब आप इसको ऑसिलेट कराओगे ना, थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बस वो आपको ध्यान रखना है ना, जब आप इसको ऑसिलेट कराओगे तो वहां पर ना, जैसे ये पेन है इसको मैंने ऑसिलेट कराया तो इसकी जो खुद की फ्रिक्वेंसी होती है जब केवल रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, और साथ में कोई फोर्स लगा के करा रहा है तो उसको हम एक्सटर्नल एजेंट की फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी। शुरू में अगर मैं इसको ऑसिलेट कराऊंगा तो शुरू में कभी ये अपनी फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, कभी ड्राइविंग फोर्स की, और थोड़ी देर बाद केवल ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी रह जाएगी ना। अगर मैं एक साथ एक्सटर्नल एजेंट का भी फ्रीक्वेंसी आ जाए और नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो रहेगी, तो बाद में केवल ऑसिलेशन किस फ्रीक्वेंसी से होगा? एक्सटर्नल एजेंट का जो फ्रीक्वेंसी होगा उससे ही फाइनली वो ऑसिलेट करेगा ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लो, कुछ कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है बस वो आपको ध्यान रखना है ना।
फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मतलब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। फिर देखो यहां पे एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सिचुएशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना मतलब पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी थी नेचुरल वाली और एक्सटर्नल एजेंट की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। उसमें एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलेगा ना, बस आपको ये याद रखना है ना, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हम लोगों को, इसको आपको ध्यान रखना है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ना रेजोनेंस की कंडीशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। अब यहां पे देखो अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कभी निकालनी हो तो उसका बस फॉर्मूला बता देता हूं आपको, वो याद रखना है ना, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी देख के लिख देता हूं, एक मिनट रुकना। यहां पे देखो जो ये एम्पलीट्यूड आएगा वो कुछ आएगा एफ नॉट बाई एम अपॉन में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम। यहां पर एम्पलीट्यूड जो होगा वो ओमेगा पर डिपेंड करता है। हाँ ये फिर से एसएचएम जैसा हो जाएगा, बस इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन है और ओमेगा नॉट इक्वल है। जब फोर्स ओसिलेशन होगा सलोनी ना, जब फोर्स ओसिलेशन होगा तो फोर्स की वजह से एक तरफ से एनर्जी मिल रही होगी और डैम्पिंग की वजह से एक तरफ से जा रही होगी ना, और डैम्पिंग की वजह से एक तरफ से जा रही होगी तो वहां पे फिर एम्पलीट्यूड की वैल्यू लगातार चेंज नहीं होगी ना। अगर रेजोनेंस है तो एक फिक्स वैल्यू पे आके कॉन्स्टेंट हो जाती है ना, डैम्पिंग वाला फोर्स एनर्जी ले रहा होगा और एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी दे रहा होगा ना। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम के में मॉड्यूल से ही करना पड़ेगा प्रॉब्लम, तो मॉड्यूल अब सभी लोग निकालो एसएचएम वाला और एक्सरसाइज टू में आओ ना, एक्सरसाइज टू में इसके क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज टू में लास्ट में आ जाओ, डैम्ड ऑसिलेशन लास्ट में एक हेडिंग पड़ी हुई है। सभी लोग मॉड्यूल ओपन करो, एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ। ये नोट कर लो पहले,
चवन इसमें देखो जितना मैंने लिखा दिया बस उतना ध्यान रखो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, ज्यादा कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मेरे को कैलकुलेट नहीं कर किया मैंने, बस आप फॉर्मूले याद रखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है 21.2 केजी, वो ऑसिलेट कर रहा है एट द एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग ना, वो कोई वर्टिकल स्प्रिंग के एंड पर ऑसिलेट कर रहा है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है 20500 न्यूटन पर मीटर। द इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ना डैम्पिंग कांस्टेंट या डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं पी को ना, पी को की वैल्यू दी हुई है 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर ना, इसको डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। एयर रेसिस्टेंस की वजह से यहाँ पर डैम्पिंग हो रहा है। फाइंड द टाइम इंटरवल दैट इलेप्सेस व्हाइल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्रॉप्स टू 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ना, तो हमें उसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो ड्रॉप करके 10% आ जाए, 10% मतलब 10/100 इंटू होने का टाइम निकालना है। यहाँ केवल श्रेयस ए वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, एम्पलीट्यूड वाली। आपको देखो पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर, ए अगर कम होता जाएगा तो एनर्जी भी कम होती जाएगी ना, अगर आपकी एनर्जी अभी 10% कम हो गई तो एनर्जी कितनी बची, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, पहले खुद से ट्राई करो फिर बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एयर रेसिस्टेंस है तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो एनर्जी जो है ए से 10% ड्रॉप होकर कम हो गई है, फाइनल एनर्जी ये हो गई। तो ई से 0.1 ई होने में टाइम बताना है कितना लगा, डैम्पिंग में एनर्जी कम होती जाएगी ना। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर, के चेंज नहीं होता ना, ए जो होता है वो चेंज होता है टाइम के साथ में, ए लगातार टाइम के साथ चेंज होता है और ए का आपको फॉर्मूला पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। खुद से ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूं ना। एनर्जी 90% कम होके 10% बची है ना, एनर्जी ड्रॉप्स टू 10% मतलब 90% कम हो गई है 10% बची है। सी आ रहा है, ठीक है अब चेक करते हैं ना। हमें देखो फाइनल एनर्जी पता है कितनी है, 0.1 ऑफ इनिशियल एनर्जी ना, 10% कम हो गए इसका मतलब कितनी बची, इनिशियल का 0.1 और फाइनल एनर्जी मतलब आप क्या लिखोगे, हाफ के इनटू फाइनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे, हाफ के इनटू इनिशियल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, हाफ के कट जाएगा
फाइनल एम्पलीट्यूड को आप क्या लिख सकते हो, इनिशियल एम्पलीट्यूड इनटू ई के पावर माइनस बी टी बाई टू एम का स्क्वायर। इनिशियल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दोनों जगह वो कट जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, e के पावर स्क्वायर अंदर जाएगा तो नीचे से टू कट जाएगा ना, केवल इतना रह जाएगा। ये समझ आ रहा है सभी को? अब देखो b दिया है, m दिया है, टाइम निकालना है आपको। क्वेश्चन समझो, b दिया है, m दिया है, टाइम निकालना है। दोनों साइड में ln ले लो, ln लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में dt by m आ जाएगा, और इधर आ जाएगा ln 0.1। ln लिया मतलब log बेस e दिया है ना, और log 10 की देखो वैल्यू भी दिया है। ln 0.1 को क्या लिखोगे, ln 1 माइनस ln 10। 0.1 को 1 बाई 10 लिख दोगे ना, फिर ऐसे लिख दोगे तो ln 1 तो 0 हो जाएगा, ना माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड से। ln 10 की वैल्यू हमें दी हुई है 2.303, t इक्वल टू m बाई b इधर आ जाएगा ना। क्वेश्चन में ये b वैल्यू दी थी ना ln 10 की, अब m दिया है आपको, b दिया है, वो वैल्यू डाल दो तो उससे टाइम आ जाएगा। इसका शायद आंसर गलत दिया है, जो भी आएगा सॉल्व करके वही आंसर है ना, शायद इसका आंसर गलत आ रहा है। 2.303 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, 21. कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये 24.4। आंसर देखो क्या दिया है इसका, सी ऑप्शन दिया है क्या, शायद उसमें बी ऑप्शन दिया है, कुछ ऐसा है, डी दिया है ना, हाँ वही कुछ। आंसर सही कर लो ना, सोल्यूशन में उन्होंने सही निकाला है ना, सोल्यूशन में सही दिया है, यहाँ पे आंसर की में गलत दिया है, सही कर लो ना, इसका ऑप्शन सी होगा, आंसर की में करेक्शन कर लेना। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं अभी। सेवेंटी वन में ये नोट हो गया क्या, सबका नोट हुआ ये? सेवेंटी वन में मास दिया है 10.6 kg, यहां पे भी एक वर्टिकल स्प्रिंग से मास अटैच किया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट फिर से वही दिया है 20500 न्यूटन पर मीटर, इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस लेना है, और डैम्पिंग कोएफिशिएंट दे दिया है, बी की वैल्यू 3 newton second पर मीटर। तो डैम्ड ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, डैम्ड ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा डी नहीं निकालना है, एफ डी निकालना है। पहले आप ओमेगा डी निकालोगे, फिर ओमेगा बराबर होता है 2πf, आपको इसका फॉर्मूला पता है, पहले ये निकालो फिर एफ डी निकालो उससे ना। फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है, ठीक है, क्लियर है सबको क्वेश्चन? ओमेगा डी का फॉर्मूला हमारे पता है, ओमेगा डी इक्वल टू होता है अंडर रूट के बाई एम माइनस बी बाई टू एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको के दिया है, एम दिया है ना, बी एम दिया है, ओमेगा डी आ जाएगा, ओमेगा डी आ जाएगा तो एफ डी आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना ना, सॉल्विंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन समझ जाओ ना क्या पूछा है कैसे करना है।
ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ये नोट कर लो, फिर प्रॉब्लम नंबर 74 एक लास्ट और ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 74 पे ट्राई करना है ना। 74 जो है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल है। इसमें एक 2 kg का मास दिया हुआ है और उस वहां पर एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लग रहा है। फोर्स की वैल्यू दी है 3 sin 2πt और स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये स्प्रिंग से मास अटैच है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है तो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन पूछा है ना। फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन पूछा हुआ है। और यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, एयर रेसिस्टेंस नहीं है ना, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। मतलब बी की वैल्यू कितनी बोलोगे, डैम्पिंग कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा अगर रेसिस्टिव फोर्स नहीं है तो? हाँ सही है प्रतन, हाँ। तो अब ए वाले फॉर्मूले में डाल दो। ए वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, इक्वल टू एफ नॉट बाय एम अपॉन में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस डी ओमेगा बाय एम का स्क्वायर। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, बी नहीं है। एफ नॉट कितना है यहाँ पर, एफ नॉट की वैल्यू 3 दी है ना, ये हमारा एफ नॉट है ना। ओमेगा मतलब ये वाला पार्ट ना, टाइम के साथ जो आएगा ये ओमेगा है ना, ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा नॉट कितना बोलोगे, रूट के बाई एम ना, जो नेचुरल वाली रहती थी, के दिया है एम दिया है। अबे चमन, बी क्या आता था जब रेसिस्टिव फोर्स होता था ना, रेसिस्टिव फोर्स अगर 0 है तो बी भी 0 हो जाएगा ना। रेसिस्टिव फोर्स होता था माइनस बी इंटू बी, अगर फोर्स 0 है तो बी भी 0 आएगा ना। अब आपको देखो सब कुछ पता है, मास पता है, एफ नॉट पता है, ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, तो ए आ जाएगा इससे। हाँ ओमेगा नॉट की वैल्यू √10 आएगी ना, फिर यहाँ स्क्वायर करके डालना है ना। देखो यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, फिर उन सब का स्क्वायर है। तो जब यहां डालोगे तो √10 का स्क्वायर करोगे तो 10 डालोगे ना। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूं? यार खालकर मेंस में यही होता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहती है। एक लास्ट और कर लेते हैं 75, वो 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है। 75 देख लो एक बार, सेम क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा गया है, सेम क्वेश्चन में ये 74 के ही में पार्ट बी एक तरह से टाइम पीरियड निकाला। फोर्स्ड ऑसिलेशन में वो फाइनली किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? बताओ बच्चों, फोर्स्ड ऑसिलेशन में फाइनल फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी?
हाँ एक्सटर्नल फोर्स की ना, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी दी है, 2 पाई दी है ना, 2 पाई है। तो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी मतलब फाइनल एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2 पाई। अब ओमेगा 2 पाई है तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा में डाल दोगे तो 1 सेकेंड। हाँ 1 सेकेंड का ही सवाल था, वो वही बोला था मैंने। देख ले प्रथम, मैं मजाक नहीं करता यार, एकदम सही बात बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब एसएचएम कंप्लीट हो गया। कुछ भी सही था, मेरे को पता था 1 सेकेंड आने वाला है। तो एसएचएम अब देखो कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग थोड़ा डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। पांडा, तो अब हम लोग डाउट डिस्कशन कर लेते हैं, अगर डाउट्स जल्दी हो जाते हैं तो देखते हैं फिर छोड़ दिया जाए या फ्लूड स्टार्ट किया जाए। चलो पहले होमवर्क तो डिस्कस कर लेते हैं। इंटेक्स 5/8 हाँ अमन, होमवर्क भी कुछ होता है, SW मतलब पता है ना, उसकी बात चल रही है। पांडा जी, अमन कुमार पे एक 50 रुपए का फाइन नोट किया जाए, इसने खुद ही बता दिया कि होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क तो अब पूरा है, एसएचएम कंप्लीट हो गया तो पूरा मॉड्यूल करना है ना एसएचएम का। चमन जाने दे, ज्यादा नहीं लेते हैं, 50 रुपए ही ले लेते हैं, अभी इतने में काम हो जाएगा। तूने खुद बोला है होमवर्क नहीं किया, बातें मत तुम्हारा तू। अच्छा होमवर्क नहीं है क्या, आज ये लिखा है क्या? अरे यार ये मामला तो फंस गया है। चलो जाने देते हैं फिर तो। अमन ने होमवर्क के लिए ही पूछा था, बात तो सही है, गलत फाइन लगाना सही नहीं है। तो देखो ये इन टेक्स्ट 5 में अरे मैं क्यों दे दूं यार, मैंने तो अपना होमवर्क हमेशा पूरा करता हूं। चलो अब होमवर्क करते हैं। देखो आपको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इक्वेशन दी गई है, एक एक्स वाली दी हुई है और एक वाई वाली दी हुई है। अरे यार मैंने गलत पढ़ लिया था भाई,
ये कहां से बेचारा है, अमन को तो बेचारा मत ही बोलो यार। तो अब देखो हमें यहाँ पे इनकी इक्वेशन बतानी है ना, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमें देखो इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे यार, कुछ पढ़ते नहीं आ रहा है ज्यादा, फाइन की बातें समझ नहीं आ रही है। अपन ये सॉल्व करते हैं, टाइम को एलिमिनेट करना है और एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। हम देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन ए कॉस बी, कॉस 45 कितना होगा 1/√2 प्लस कॉस ए, कॉस ए साइन बी, ऐसे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 1/√2 को कॉमन कर देंगे, 1/√2 को कॉमन करेंगे तो ये √2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। मराठी का यार चल रहा है मेरा, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। शांत बसो सब लोग, अब मुझे सॉल्व करने दो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को एलिमिनेट करना है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, √2 साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से देखो डाल देंगे ऊपर वाली इक्वेशन से। बट हो रहा है प्रोग्रेस, देख राज प्रोग्रेस होना चाहिए, मेन ये है। तो यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी की वैल्यू डाल दूंगा और कॉस की वैल्यू कैसे डालूंगा, √1 - sin²ωt करके। तो अब यहाँ पे यार स्क्वायरिंग हटाना है ना हमें इक्वेशन समझने के लिए। अबे मन का कुछ भी, तो y/√2 को इधर करते माइनस x/2 इक्वल टू आ जाएगा √1 - x²/4। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे y²/2 प्लस x²/4 माइनस xy/√2 इक्वल टू 1 - x²/4। तुम लोगों ने इलिप्स पढ़ लिया है मैथ में, मैथ में इलिप्स पढ़ लिया है। मैथ में इलिप्स पढ़ लिया है क्या बच्चों? अब देखो इसको इधर करेंगे तो ये आ जाएगा y x²/2 प्लस y²/2 माइनस xy/√2 इक्वल टू 0 सॉरी इक्वल टू 1। अब देखो ये इसको अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो ये कुछ ऐसा हो पा रहा है क्या, x - y² ऐसा तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना। ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, x का भी मैक्सिमम पावर 2 है, y का भी मैक्सिमम पावर 2 है और ये दोनों के पावर प्लस में है ना। या तो सर्कल होगा या इलिप्स होगा, बट सर्कल नहीं बन पा रहा है ना, तो इलिप्स ही हो पाएगा। इलिप्स जब पढ़ लोगे तो वहां जनरल इक्वेशन सिखाई जाएगी ना इलिप्स की, तो वहां से आप कंपेयर करके सोच सकते हो।
हाँ श्रेयस, वैसे भी सोच सकते हो, सही बात है। बाकी ये समझो ना, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, इलिप्स जब पढ़ोगे तो उसमें आपको सिखाया जाएगा ना। ठीक है, चलेगा, ये समझ आया क्या? फिफ्थ भी है, फिफ्थ देख लेते पहले। फिफ्थ ने बोला गया है कि अ बॉडी हैज अ टाइम पीरियड टी वन, हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, अभी आ रही है ना आवाज? हाँ, तो देखो इसमें फिफ्थ में क्या बोला गया है कि कोई बॉडी है जिसका पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक के वजह से इसका टाइम पीरियड जो आ रहा है वो टी वन दिया है ना, कोई एक एफ वन फोर्स, और एक दूसरा फोर्स अगर एफ टू लगेगा तो टाइम पीरियड कुछ आ रहा है वो टी टू दिया है। तो दोनों अगर एक साथ लगेंगे तो हमें बताना है वहां पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक मिनट सोचने दो यार, इसमें क्या हो सकता है? अगर हमारे पास दो SHM आ जाए, एक कुछ ऐसा हो ए साइन ओमेगा 1T और दूसरा हो कुछ ए साइन ओमेगा 2T, तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, हम लोग देखो ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोचो जैसे स्ट्रिंग वाला, दो स्ट्रिंग अगर एक साथ लगे हो ना, अगर दो स्ट्रिंग एक साथ लगे हो तो आप वहां पे क्या बोल सकते हैं? अगर एक का K1 है एक का K2 है तो नेट वहां पे क्या आता है? यहाँ पे देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में SHM कराएंगे ना, तो K इक्विवेलेंट वहां पे आप बोलते थे ना K1 प्लस K2, तो आप देखो K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। K इक्विवेलेंट को आप क्या बोल सकते हो? M इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब फाइनल वाला ओमेगा, क्या हो जाएगा? M इंटू ओमेगा
वन का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एम इंटू ओमेगा टू का स्क्वायर। एम कॉमन होके कट जाएगा ना, लैग आ रहा है। वीडियो के लैग पे मत फोकस करो, आवाज से जा रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ वैल्यू डाल दो, इसको लिखोगे टू पाई बाय टी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखोगे टू पाई बाय टी वन का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे टू पाई बाय टी टू का स्क्वायर है, तो इससे आ जाएगा वन बाय टी स्क्वायर। अब देख रहे हो सॉल्व हो जाएगा ना, डी ऑप्शन आ जाएगा अब सॉल्व करके। कुछ समझ आया क्या, क्या किया मैंने सलोनी, समझ आया? एक साथ दो फोर्स लग रहे थे ना, तो एक तरह से वो स्प्रिंग वाला केस बन गया ना, दो फोर्स अगर एक ही पार्टिकल पे एक साथ लग रहे हैं तो दो स्प्रिंग वाला केस बन जाएगा ना। सरयू है कि नहीं? सरयू ने एक भी डाउट नहीं पूछे, ये आजकल कुछ डाउट नहीं पूछती है। सरयू है क्या तू? डाउट आउट नहीं आ रहे आजकल तुझको, क्या कर रही है? होमवर्क हो तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि बस टाइम पास कर रही है। टू यूनिफॉर्म रॉड्स आर वेल्डेड टूगेदर टू फॉर्म अ लेटर टी, ठीक है। ईच रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल, और इसको हमने ए पे हिंज कर दिया। तो आपको ये बोला गया है कि हमने दो रॉड लिए, एक ऐसे और एक ऐसे, फोर्थ भी है, फोर्थ अभी बताते हैं एक मिनट ना, और इनको हमने ए पे हिंज कर दिया है ना, यहाँ पे हिंज किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है ना, तो अब आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? जहां पे आपने हिंज किया है उसके अबाउट पहले आप पूरी बॉडी का आय निकालोगे ना, ये ऐसे नहीं रहेगा ना, ये नीचे आ जाएगा ना। हिंज होने के बाद क्या होगा, कुछ ऐसे जाके रुका हो रहा होगा। हिंज होने के बाद हिंज के नीचे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा ना, समझ आ रहा है? पहले तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा ये पता है आपको? इस वाली रॉड का यहाँ पर और इस वाली रॉड का यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये वाली लाइन वर्टिकल हो जाएगी ना, वही दिखाया गया है। ठीक है, तो अब देखो आप इस ए के अबाउट आय निकाल लोगे, इस वाले का आय कैसे निकालोगे? एम एल स्क्वायर बाई थ्री बोलोगे ना सेंट के अबाउट, और इस वाले रॉड का यहाँ पे आई सी एम पता है आपको, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ये एल बाई टू है, ये एल बाई टू है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो आ जाएगा ए के अबाउट आय निकल जाएगा। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ये L बाई फोर आएगा, ये L बाई टू आएगा, तो ये D आ जाएगा, ये D1 मान लो, ये D2 मान लो ना। फिर टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में डालना रहेगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी डी। एम कितना लोगे? दोनों रॉड का मास एम एम है ना, तो टोटल बॉडी का मास 2m ले लोगे। कैलकुलेशन नहीं करूं चलेगा, सॉल्व हो जाएगा अभी। ठीक है, तो अब ये अब और भी एक था ना, फोर्थ बोला था ना आयुष ने, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में देखो क्या क्या है, टू लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, दिस आर इम्पोज्ड ऑन अ पार्टिकल
along x and y axis respectively, if initial phase difference between them is pi by 2. अब ये दो परपेंडिकुलर SHM के सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है ना, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में SHM के सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है, और ओमेगा देखिए दोनों का अलग अलग है, एक का ओमेगा है एक का 2 ओमेगा है। हमने जो क्लास में किया था उसमें दोनों का ओमेगा सेम पकड़ा था ना। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक्स वाले के SHM की इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वाई वाले की क्या इक्वेशन हो जाएगी, वाई वाले का ओमेगा डबल है और इनिशियल फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे एम्पलीट्यूड सेम लेना है। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो ना। अब दोनों से टी को एलिमिनेट करना है, तो टी को कैसे एलिमिनेट करोगे, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो, इसको आप लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू ऊपर से डाल दो, पार्थ मीटिंग वेटिंग रूम ऑन नहीं है भाई, उसको बोलो इंटर करने को, ये समझो ना। यहाँ पे अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू ऊपर से डाल दोगे तो आ जाएगा इक्वेशन। वाई और एक्स में आपको रिलेशन बताना है ना, ठीक है। तो फिर SHM आप कंप्लीट कर लो पूरा, एक्सरसाइज 1 में अपन ने लगभग तो डाउट सब डिस्कस कर ही लिए हैं। हाँ हाँ सलोनी ओमेगा अलग भी हो सकता है, बट मेथड ध्यान रखो ना, जैसे हम लोगों ने मेथड किया है वैसे ही अप्लाई करके सॉल्व कर लो। 64 एक्सरसाइज 1 का 64 देख लेते हैं। एक मिनट रुकना, चार्ज और उसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना? अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना। अगर ई इधर है तो फोर्स भी इधर को ही आएगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ई के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव में अपोजिट में लगता है ना। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स उस पे इधर को लगता नहीं। ये सब अभी हम लोग इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे ना, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में पूछा है तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए सॉल्व कर लेंगे। इसमें दो को बोला है A simple pendulum consists of a small sphere of mass m suspended using a length l. एक l length का यूज करके एक पेंडुलम को हमने सस्पेंड किया है। चार्ज q is given to the sphere and electric field e is applied vertically upward. e ऊपर को लगाया गया है ना, अगर e ऊपर को लगाया गया तो फोर्स किधर को लगेगा, ऊपर को या नीचे को,
इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स ऊपर को लगेगा ना, टेंशन भी ऊपर को होगा, नीचे को mg लग रहा होगा, हमें t चाहिए ना इक्विलिब्रियम में t, तो हम फोर्स बैलेंस करेंगे q into e plus t बराबर, देखो आयुष देखो यहाँ क्या बताया मैंने कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसपे जिधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर कोई फोर्स लगता है ना, ये भी याद कर लो ना, और फोर्स की वैल्यू q into e होती है, तो यहाँ देखो ऊपर को e है ना, तो फोर्स भी ऊपर को लगेगा ना, ऊपर को e है तो ऊपर को फोर्स लगेगा, तो अब ऊपर को q into e है, ऊपर को टेंशन भी है और नीचे को mg है, तो इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस करके पहले t निकाल लेंगे ना, फिर t आ जाएगा तो t बाय m करेंगे तो g इफेक्टिव आएगा, ये क्वेश्चन वैसे वही है, इलेक्ट्रो नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं आया आपको, बाकी अब सब कंप्लीट कर लो इसमें, देखो मैक्सिमम टेंशन पूछा गया है, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन याद है, सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टेंशन कब आएगा, अगर आप कोई भी चीज को यहां से छोड़ते हो नहीं, यहां से जब छोड़ोगे और ये नीचे जा रहा है ना, जब नीचे जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा स्पीड नीचे को ही होगी ना, तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे, अब यहाँ पे टेंशन को क्या क्या करना पड़ रहा है, एक तो mg को संभालना है और प्लस स्पीड मैक्सिमम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी देना है और मैक्सिमम देना है अभी ना, मीन पोजीशन पे स्पीड सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, मीन पोजीशन पे ही ना, और साथ में mg पूरा का पूरा mg संभालना है, अगर आपको यहाँ साइड में होते तो mg का बस कंपोनेंट संभालना होता है ना, टेंशन को mg का केवल कंपोनेंट संभालना होता है यहाँ पर टेंशन को, और स्पीड कम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम देना है, टेंशन का दो काम है ना, mg के कंपोनेंट को संभालना और सेंट्रीपिटल फोर्स देना, यहाँ पे क्या बोलोगे आप, t माइनस mg जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है सबसे नीचे वाले पॉइंट पर ना, नीचे वाले पॉइंट की बात हो रही है, तो सबसे नीचे वाले पॉइंट का v निकालो, v कैसे निकालोगे, अगर आपको a दिया है तो सब मीन पोजीशन पे v कितना आएगा, मीन पोजीशन पे v कैसे आएगा, a इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना रहता है सिंपल पेंडुलम में, g बाय l, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे बी की जगह डाल दो तो आ जाएगा टेंशन, कुछ चमक रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूं, सलोनी समझ आया क्या, फिफ्टी सिक्स में, हाँ ये सब फ्री ऑसिलेशन है ना, जब तक बोला ना जाए कोई रेसिस्टिव फोर्स के लिए तब तक वो फ्री ऑसिलेशन है, जो टाइम पीरियड होता है क्या वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, 56 में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है ना, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, तो एम्पलीट्यूड बोला जा रहा है अगर चेंज कर दे, एक बार पेंडुलम को मान लो आप यहां से छोड़ रहे हो, एक बार थोड़ा पहले से ही छोड़ दो तो क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, नहीं 0% का चेंज आएगा, ठीक है, तो अब 61 एक मिनट, देखो आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ये याद है सबको, सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस होती है, सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस होती है, उसके अंदर इफेक्टिव जी कितना होता है, जीरो, तो अगर जी इफेक्टिव जीरो है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाएगा,
तू बाहर सैटेलाइट के बाहर का सोच रही है सलोनी, पहली लाइन इसीलिए लिखी गई है कि सबको जी बाई फोर लगे जी फैक्टू, वो सैटेलाइट के बाहर का जी है, सैटेलाइट के अंदर जी फैक्टू जीरो होगा। ठीक है बच्चों, अब यार थोड़ा ही टाइम बचा है तो आज तो अब नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करता हूँ, डाउट ही पूछना है तो पूछ लो नहीं तो फिर छोड़ देता हूँ। 67 देखते हैं, अ रिंग एंड डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर हिंज एट पेरिफेरी ऑसिलेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट मीन पोजिशन। देखो वर्टिकल प्लेन में वो ऑसिलेट कर रहा है, मतलब आपने एक डिस्क लिया है और एक रिंग लिया हुआ है, दोनों को थोड़ा ऐसे कोई एक साइड। थैंक यू पार, थैंक यू। तो अब हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट के अबाउट आई निकालना आपको आता है, सेंटर के अबाउट आई पता है तो इस पॉइंट के अबाउट आई निकाल लो, फिर फॉर्मूला लगा दो 2 पाई अंडर रूट आई बाय एमजी। इसमें तो क्या ही बताऊं मैं, फॉर्मूला ही लगाना है इसमें, दोनों बार फॉर्मूले लगाओ और सॉल्व करके आंसर निकालो, फिर देखो किसमें ज्यादा है किसमें कम है। डी दोनों में सेम है ना, तो जिसका आय ज्यादा होगा उसी का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, हाँ जिसका आय ज्यादा होगा उसी का टाइम पीरियड ज्यादा है। भेज दो पांडा भेज दो। ठीक है बच्चों, फिर आज जल्दी छोड़ देता हूँ और मंडे ट्यूसडे 2 दिन और लेक्चर लगाऊंगा, उसमें इलस्ट्रेशन में भी डाउट है, 2 दिन थोड़ा ज्यादा फ्लूड पढ़ा देता हूँ। नको फ्लूड नहीं पढ़ना है अभी, सेवन डेज लीव और उसके बाद फिर 20 दिन छुट्टी, उसके बाद एग्जाम तो होना नहीं है स्कूल का, तो फिर छुट्टी, बहुत छुट्टियां हो जाएंगी, तो पूरे मंथ ही छुट्टी कर देता है, करना पड़ेगा। कोर्स पीछे हो जाएगा यार, इतने दिन छुट्टियां रहेंगी तो, इसलिए थोड़ा पढ़ा लेने दो, 2 दिन पढ़ लो। टूर्नामेंट यार थोड़ा कोविड कम हो जाए फिर टूर्नामेंट रखते हैं। अबे पांडा ऐसी बेइज्जती करता है, 2 दिन में कुछ पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, 2 दिन में यार बहुत चीजें पढ़ लेंगे अपन, 1 दिन में नहीं कुछ हो पाएगा, 2 दिन में तो कर ही लेंगे थोड़ा। चलो सोचता हूँ मैं क्या करना है, 2 दिन पढ़ा के ये भी है कि इतना लंबा ब्रेक हो जाएगा, पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं वो भी एक बात है। 11th में तो अब एग्जाम पॉसिबल नहीं लग रहा हो पाएगा, ठीक है बच्चों फिर अब क्लोज करता हूं। ज्यादा लंबा एक्चुअली ब्रेक होने से फिर वो भूल जाओगे तुम लोग, वो दिक्कत है, ये गीते आके अलग ही नंबर लगा हुआ है, लोगों की जिंदगी में कितना टाइम है यार, आदित्य इतना टाइम निकालता कहां से।
ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूं ना, बाय एवरीवन।